हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं एमपी टेक चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं पेपल कार्ड के बारे में। तो आज मैं इस पे आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग एक कार्ड कैसे ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर आप लोग जिधर भी हैं, अगर आप लोग को कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस कार्ड से कर सकते हैं। इस कार्ड से आप दुनिया में कहीं भी बिटकॉइन और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो नीचे दिए गए लाल करके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगने पे एक लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आ जाना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे पेप सर्च कर देना है। पेप सर्च करने के बाद इसे डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप लोग को परमिशन अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। वेलकम गिफ्ट बोनस आप लोग को 10 दिरहम मिला है। तो मैं फ़िलहाल में दुबई में हूँ, तो दुबई का करेंसी में देगा। आप लोग जिस भी कंट्री से होंगे तो आप लोग का उधर कंट्री से उतना करेंसी में देगा। तो आप लोग को एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे 5 स्टेप में देगा वेरीफाई करने के लिए आप लोग का अकाउंट। तो आप लोग को यहाँ पे जिस भी कंट्री से हैं आप लोग का वहाँ पे अपना कंट्री और मोबाइल नंबर डाल के आप लोग को सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आप लोग को सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, और ओटीपी डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो वो आपकी जो भी नेशनलिटी है आप लोग अपना यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। तो अगर आप लोग के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी डाल सकते हैं, नेशनल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोग डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस समय फ़िलहाल में मैं दुबई में हूँ, तो वो अपना नेशनल आईडी है तो मैं यहाँ पे उसे स्कैन कर रहा हूँ। तो आप लोग को स्कैन करना है तो सबसे पहले आप लोग को फ्रंट वाला स्कैन करना है, फिर बोलेगा बैक वाला स्कैन करिए। तो आप लोग को बैक वाला स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद वेरीफाई और डिटेल में आपका सारा डिटेल लिख के आ जाएगा, आप किस कंट्री से हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है। उसके बाद आप लोग को कंफर्म पे क्लिक कर देना है, और कंफर्म में क्लिक करने के बाद आप लोग से बोलेगा कि आप लोग को एक अपनी सेल्फी लेनी है। तो आप लोग अपनी एक सेल्फी ले लीजिए, और सेल्फी लेने के बाद आप लोग यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म में क्लिक करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि आप न्यू यूजर हैं, तो आप लोग को न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। तो न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो आप लोग को यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में क्लिक करके नीचे नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, योर ऑन स्टेप अवे फॉर गेटिंग योर वर्चुअल कार्ड। तो आप लोग का यहाँ पे वर्चुअल कार्ड बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट यूजिंग में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट दे के ऑथराइज कर देना है, और उसके बाद आप लोग का कार्ड बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कार्ड बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे 3 डॉट पे क्लिक करके अपने कार्ड का डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग का पूरा सब कुछ डिटेल दिया रहता है, CVV है, एक्सपायरी डेट है,
और आपका कार्ड नंबर भी दिया रहेगा। तो अगर आप लोग को जानना है कि इस कार्ड में मनी कैसे ऐड करते हैं तो मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को जानना है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगने पे एक प्यारा सा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।